नमस्कार अर्गस बिग ब्रेकिंग को आपनकु स्वागत करछु मु दुर्गा आशीष जो टॉपिक अछि आक्रमण पछर खलनायक किए ए आक्रमण हेछि धर्मशाला आरटीआई कर्मी सर्वेश्वर बेउरांक उपरे अन्याय विरोध रे दुर्नीति विरोध रे जिए मुह खोलिबो ता उपरे बोमा माड़ हबो ताकु हत्या करा जिवो एवं दुर्घटना रो रूप देई हत्या को चापिया पई प्रयास करा जिवो ए घटना मु कहूछि केन्द्रापड़ार रंजन दास आरटीआई कर्मी को हत्या करागला संदेहजनक भाव मृतदेह मिलला ताकू आक्सीडेटर रूप देवाक चेष्टा करागला किंतु ये हत्या बोली परिवार लोके अभियोग आणुंट कारण कौन कारण या से आरटीआई कर्मी रंजन दास दुर्नीति विरोध में लड़े करुले केन्द्रापड़ा महांगा डबल मर्डर केन्द्रापड़ आसवा महांगा महांगा डबल मर्डर में कुलमणि बराड़ आ दिव्य सिंह बराड़ को हत्या करागला कारण थी जे आवास योजना केलेंकारी से पर्दाफाश करते एवं ताकु नहीं कि मंत्री प्रताप जेना संदेह घर को आसी से रास्तार हटे दिगला हत्या करागला मंत्री प्रताप जेना नाँ 302 दफा लगी सर्वेश्वर बेउरा धर्मशाला अंचल से राशन कार्ड दुर्नीति हो डंकारी बिछाखंडी भली बड़ बड़ से अंचल जो खणी दुर्नीति हो खणी दुर्नीति कथा कहतु बड़ कथा जे मामू भणजा घाई किभली भावे विस्फोरक लगे कि उड़ेई दियागला एवं प्रथमे संदेह घर प्रश्न उठाई थिले विधायक प्रणव बलवंत राय और तांको मामू नरेन्द्र जेना को नहीं प्रश्न उठाई थिले सर्वेश्वर बेउरा एवं किछि दिन तले से धर्मशाला निर्वाचन मंडली अंतर्गत गोटे गाँवरु जो भली भावे विस्फोरक जबत हेला एवं संतोष बेहरा जे गिरफ हेला सीए हेउछंती प्रणव बलवंत रायर सी लोक ताकू नहीं कि भी प्रश्न उठे सर्वेश्वर बेउरा एवं जेहेतु दुर्नीति विरोध में लड़े करुले सब टार्गेट करागला गत काली राति बोमा माड़ कर गुरुतर अवस्था रे अवस्था से आहत होती कटक एक घर हस्पिटाल चिकित्साधीन अच्छा शुणी नि घटना को लेकिन सर्वेश्वर बेउरा निजे गोटे वीडियो जारी कर कौन कौन प्रथम शुणी नि बीजेपी जाजपुर जिलार बीजेपी जन आगधाड़ कार्यकर्ता एवं धर्मशाला जड़े सूचनाधिकार कर्मी हिसाब से धर्मशाला जाजपुरी राज्य में मोर एक स्वतंत्र परिचय अच्छे बहुत दुर्नीति धर्मशाला नहीं कि विभिन्न समय खुलासा कर लोकायुक्त पाखे जा हाईकोर्ट जा सुप्रीमकोर्ट जा एनजीटी जा निकट में होता धर्मशाला ब्लक राशन दुर्नीति हो कि आपंकर मामू भणजा घाई कथा हो कि डंकारी बिछाखंडी आरुआ पहाड़ कथा हो सब को लेकिन मुझे लोकायुक्त पाखे जा बर्तमान से हरड़ घना पड़ा समय मोर दृढ़ विश्वास जो से कार्य कर सन्देह कौन कर मोर पटे ना कहीं मोर मु साधारण लोक गोटे लोक भी कहबनी मुझे किसी कहूनी क्षति करोटे कारण क्या सर्वेश्वर बेउरा हत्या कर मुझे चाहूँगी दुर्नीति हेतु से चाहते सर्वेश्वर बेउरा हेतु तर मत हत्या करेंगे कौन फायदा मिले यही फायदा मिले कि जड़े सर्वेश्वर बड़ा जन सर्वेश्वर को हत्या करदे अनेक सर्वेश्वर जन्म ने पुलिस बर्तमान तदंत करश्चित भाव आप मोर मन पका सबकि मो अवस्था बर्तमान भल ना देहर काच गुंड सब रही बोमा माड़ जो तार छिद्र सब रही काच गुड़ा सब देह भितर रही सब गलापर मुश्चित भाव आप विधिवत भाव मो दल मोर राज्य शाखा सूचना अधिकार अभियान कार्यकर्ता सहित कथा माननीय केन्द्रमंत्री सहित धर्मेन्द्र प्रधान कथी आक्रमण कहीं जी दुर्नीति विरोध में मुह खोल ता मुह बंद करने प्रयास करा जीवा। जो मानकर स्वार्थ हानि से माने कांड घटे आ स्वार्थ हानि कहार हो स्वार्थ हानि हो स्थानीय बीजेडी विधायक पावरफुल विधायक प्रणव बलवंत राय प्रणव बलवंत राय विवाद घर को आसी जिते बड़े मामू भणजा घाई होता आ जाशु ठिका कम कोटि कोटि टंकार ठिका कम विस्फोरक लगे कि उड़े दिगला
केलुआ नदी में घाई सृष्टि करागला एवं एहा पछरे विधायक प्रणव बलवंत राय और तांको मामू नरेन जेना हाथ अच्छी अभियोग आनी सर्वेश्वर ये खनि दुर्नीति कथा कहतु पथर चालाण कथा कहतु बा जो विस्फोरक जबत होता एक्सप्लोसिव जबत होता सी तो बड़ सांघातिक कथा आतंकवादी कार्यकलाप किंतु सबु जानी पुलिस चुप रहुथिला स्वर उठाउथिले सर्वेश्वर बेउरा आउ तांक स्वर को चापी दबा पाई ये बड़ षड्यंत्र बोमा माड़ होइछि तांक उपरे आम सहित तो जोड़ी होती जो जगार बोमा माड़ होता धर्मशाला अंचल से एरिया से अंचल अच्छा संतोष जेना एवं जोठी आडमिट होती चिकित्सा चली जो हस्पिटाल से हस्पिटाल पाखे अच्छा इमरान इमरान वर्तमान स्वास्थ्यावस्था केमती अच्छी सर्वेश्वर बेउरा इमरान देखो दुर्गाशीष आप जानते हैं जेहेतु जाजपुर जिलार विशिष्ट सूचना अधिकार कर्मी सर्वेश्वर बेहरा जो गत काली बोमा माड़ होता बोमा द्वारा आक्रमण कर चार चारोट बोमा फोपड़ा जाता है और जेहेतु से गुरुतर आहत होते गोटे पट हाथी भांगी जबार से जहाँ कहते छेतला आम निजे देखुले शरीर अनेक जगार आघात पहुँची काच सब भांगी शरीर भितर पशिजाई से गुरुतर भाव में आहत होते सर्वप्रथमे धर्मशाला गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करता अवस्था अधिक संकटपन्न होवु कटक बड़ मेडिकल को स्थानांतर करता कितु सेठू कि सठिक भाव में अवस्था अधिक गुरुतर थी से कटक एक घर हस्पिटा भर्ती करतमान चिकित्सा चलती जेहेतु से संकटपन्न थी गत काली बर्तमान धीरे धीरे स्थित में सुधार आसु जो गुरुतर आहत से होती हाथ सर्जरी हेबर जहाँ सूचना मिली कि कहीं जो हस्पिटाल करतृपक्ष तरफ जहाँ आमको बर्तमान सुधा सूचना मिली जहाँ सूत्र खबर मिलू कि जो रही हास्ट जो बाहपट हाथा अधिक आघात पहुंची से जगह सर्जरी हम बोली सूचना मिली कि जो शरीर तक आघात बाजी से सठिक भाव में कथ कहीपुर से हस्पिटाल जेहतु चिकित्सा अवस्था अच्छा अनेपटे परिवारवर्गों पक्ष सूचना मिली किसी समय पूर्व आम पुओंकर प्रतिक्रिया नु से कथ को बारंबार दोहरइले कि आम बापा सबू विभिन्न समय जाजपुर जिलार धर्मशाला ब्लक धर्मशाला निर्वाचन मंडल में अनेक दुर्नीति विरोध में से स्वर उठाते सब बड़ कथा जितेबाड़ कि पूर्व जो बनाटी होता से बना समय रे जो केलुआ नदी घाई जहाँ सर्वपरिचित मामू भणजा घाई को मनुष्यकृत भाव में ब्लास्ट करस्फोरण कर उड़े दी जाता जहाद्वारा कि हजार हजार ग्रामवासी मैंने जलबंदी भितर मसे मसे डरी थे एवं भी सेटा चाषी मैंने समस्या सम्मुखीन होती तो से घटना को लोकलोचन को आनी मनुष्यकृत घाई होता बोली निजे राज्य सरकार स्वीकार कर स्वीकार कर तदंत कर जेहेतु से सत्य घटना को लेकिन सर्वेश्वर बेहरा लोकायुक्त द्वारस्थ होते सहित लोकायुक्त भिज तदंत करने दावी देते कि बर्तमान सुधा से किए अभियुक्त बर्तमान सुधा धरी पड़ना कि बद को आसते स्थानीय विधायक प्रणव बलवंत राय और जेई मामू नरेन जेना अनेपटे जेहेतु से डंकारी पहाड़ कथ कहतु बिछा खंडी पहाड़ जो जितकी बेआईन भाव में खनि संपद लुट होता तार तथ्य जो घटना घटी अच्छा आम प्रतिनिधि संतोष बड़ कथा जे दुर्नीति विरोध में लड़े कले मुह बंद करने षड्यंत्र बोमा माड़ हम केन्द्रापड़ार रंजन दास को संदेहजनक भावे मृत्यु है किंतु एक प्री प्लान मर्डर थिला ये अभियोग आणुंती एवं महंगा डबल मर्डर केस भी सैया विभिन्न समय आरटीआई कर्मी को ऊपर अटैक होउची जेहेतु से दुर्नीति विरोध में मुह करुंती संतोष जो जगार आपण अच्छा कौ टाइम किभली भाव यह घटना घटला टी विस्तृत भाव दर्शकों को कहतु संतोष देख निश्चित भाव दुर्गाशीष स्थानीय लोकों सहित आलोचना करने जहाँ सूचना मिलला राती ठीक समय नौटा एवं नौटा समय रे ए सारा एरिया रे लाइन पलैला एवं ए गाँ भर को गोटे अष्टपरी जोग देवाई सर्वेश्वर बेहरा जाते कार ठीक यही तलु ऊपर मुख्य रास्ता को आसला अर्थात यही जगार ही बोमामाड़ है कैमेरा पर्सन आदित्य को कह चित्र देखे और जहाँ सूचना मिली दुईज गोटे पल्सर में जड़े लाल गंजी पिंधा आउ जनकर ड्रेस रो कलर लोक माने जानी पार ना से दुज पूरा व्यक्तिगत भाव में सर्वेश्वर बेहरा को जानी एवं सबुठ आश्चर्यकर कथा
जे अष्टप्रहरी को आसी से केत काम सारे पुणी मुख्य रास्ता आड़क आसवे एक कथा केम जाने अर्थात जो जगह को जाते कि सहित जी संपर्क थे जी के फलो करता पूरा सूचना जो मैंने बोमामाड़ कर जो दुर्बृत्त मैंने अर्थात ये घटना संपर्क में पूरा षड्यंत्र षड्यंत्र नई ठीक कौ समय गाड़ी आसूसी कौ समय भितर से आसुच्च एक कहीं जान ना ये हूँ से ही दुकान जो दुकान सामने दुज बसी जड़े दुकान सामने बसला आउ जड़े जो खुंटी पड़ी से जगह बसला और जो दुकानी एवं खोला अच्छी राति नौटा समय बेले से दुकान बंद था अर्थात ए दुकान पाखे आउ गोटे दुकान अच्छी ए दुकानी सब देखी जानी से आउ कि समय पूर्व थे मूसा का कौन जानक मुझे कौन कह हाँ से पुह घर जा खाइ मोर आज मन ना से कथा मोर मन ना कौन ना 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 भय किसी ना मोर मन ना मुझे कहमी कौन पुह कौले आपण कहते आप कहना हाँ तुम कौन जो दुकान रे जो भाई बसी थे से भाई जनक कहते जे नौटा समय जो झड़ बर्षा होता से दुकान सामना बंद करतापर दुकान भितर थे हटात तीन टी बोमामाड़ सब शब्द शुभिला और बोमामाड़ शब्द शुभवा पर से भाविले जे आउ कौटी बाण फुटुची किंतु ता से समय रे सर्वेश्वर बेहरा जगह को आसिले एपर्त जगार रक्त पड़ी एवं गुरुतर भाव से आहत होते सहित जड़े सहयोगी से आहत होता ये हूँ जाजपुर जिला धर्मशाला निर्वाचन मंडल इमाम नगर अर्थात ये जगार ही का राति नौटे जो विलंबित रात बोमामाड़ कराई स्थानीय लोके कि देखी ना कथ कौता बेले जड़े लोक केवल आवाज शुणा कथा ता सहित पल्स रे दुई जन व्यक्ति बोमामाड़ कर फेरार हो कथा बर्तमान सूचना देखते किंतु घटनास्थल में एपर्तंत पर पक्षर जेहेतु अभोग कर पुलिस तदंतर शिथिलता अवलम्बन करुच्ची घटनास्थल को आसला ये सब भितर कह निश्चित कि जनाशुना लोक प्रथम से अष्टम प्रहरी को आसी कथा खबर देते केतबाला से बाहर ये खबर दुर्बृत्त मान को देते जो से बोमामाड़ करते दुर्गाशीष क्या कहते ये प्री प्लान थिला जे केतेबेले सर्वेश्वर बाबू फेरिबे अष्टप्रहरी रु बैक करिवे एवं कोउ जगह रे बोमा फुटेले इजी हबो जतेबेले करंट नथिला सेतेबेले बोमा माड़ हेला सर्वेश्वर बेउरांक उपरे आरटीआई कर्मी सेठाकार बीजेपी नेता एवं जेहेतु से सूचना अधिकार आईन बल रे बहु तथ्यर खुलासा करथिले मामला लोकायुक्तक पाख को नहींथिले हाईकोर्ट को नहींथिले सुप्रीम कोर्ट नहीं एनजीटी नहीं राग रखी यही घटना पछरे विधायक प्रणव बलवंत राय हाथ रही कि ये बड़ प्रश्न आसुची कारण विभिन्न समय रे जो प्रसंग आसुला से विधायक प्रणव बलवंत राय संप्रुक्ति अभियोग आसुला से मामू भणजा घाई कथा कहतु बा विस्फोरक जबत कथा कहतु यही घटना को लेकिन प्रदीप्त नायक विरोधी दल नेता ट्वीट करी रिएक्ट करिसंती से लिखुछंती सर्वेश्वर भाई जाजपुर जिले में डंकारी पहाड़ लूट बयान क्रसर चलवा पीडीएस सामग्री लूट एवं विशेष भाव में बहुचर्चित मामू भणजा घाई भंगा घटना विरोध में एक सालिस विहीन लंबा लड़े लड़ी जहाँफल मामला गुड़िक लोकायुक्त तदंत परिसरभुक्त हो समस्त बयान कांड कारनाम सामिल थी असामाजिक तत्व मैंने आक्रमण करोषी को तुरंत गिरफ उक्त आक्रमण पछरे केउ प्रभावशाली व्यक्ति माने अछंती यहार खुलासा पई उच्चस्तरीय तदंत और सर्वेश्वर परिवार को 24 घंटिया सुरक्षा जोगाई देवा पई जाजपुर जिला प्रशासन मुख्यमंत्री को पाखरे दाबी करिछंती विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक एवं बड़ कथा हेउची पुलिस तदंत करिव त एठी पावरफुल विधायक प्रणव बलवंत राय को ना आसुची एवं जदि आमे देखिबा ताले पूर्वर जो घटना होता रंजन दास का मृत्यु मामला एवं यह एक हत्या आ पछरे स्थानीय महाकालापड़ विधायक अतनु सब्यसाची नायकों हाथ थी परिवार लोके अभियोग करते आम सहित जोड़ी होती आरटीआई कर्मी श्रीयुक्त श्रीकांत पाकड़ श्रीयुक्त पाकड़ ये आक्रमण रंजन दास कथा कहतु कूलमणि बराल और दिव्यसिंह बराल से भी दुर्नीति विरोध में पर्दाफाश करते एवं विभिन्न समय रे आरटीआई कर्मी आक्रमण हत्या करा एवं ये आउ एक फर्द जोड़ी है एक्त पाकड़ आज्ञा आज्ञा कथा जे
ସେମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ନୀତି ବଢି ଚାଲିଛି। ଆଗରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବଢି ଚାଲିଛି। ଏବଂ କଥା ହଉଛି ଯେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆସିଲା ଫଳରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସମସ୍ତ ତଦନ୍ତ ଗୁଡିକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରିକି ଦେଲାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେଲାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଫାଇଲ୍ ଚାପିକି ବସୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆସିଲା ଫଳରେ ଯଦିଓ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦିଓ ସେଭଳି କିଛି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ତଳିଆ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଏସବୁ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଠିକ ଭାବରେ ହେଉଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଫଳରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ତହସିଲଦାର ବିଡିଓ ଏମାନେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଛନ୍ତି, କାହାର ଚାକିରି ଯାଉଛି, ଏହା ହେବା ଫଳରେ ସରକାର ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ ନେତା ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତମୁଖା ସାଜିଛନ୍ତି। ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା ଭଳି, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଅଛି ସେଭଳି ନାହିଁ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ଏକମାତ୍ର ସଂଗଠନ ଯିଏକି ଏଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏମିତି ବମିଂ କରିକି ମାରି ଦିଆଯାଏ ବା ଭୟଭୀତ କରିଦିଆଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବେ ନାହିଁ, ଭୟ କରିବେ ଏବଂ ଏବଂ ଭୟ କଲା ଫଳରେ ସେମାନେ ଆଉ କାହାର ହାତ ଅଛି କିଏ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ଥାଇପାରେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କର ହାତ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହୁଛୁ। ଏଥିରେ ନିହାତି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କର ହାତ ଅଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପାକଡ଼, ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କ କାଣ୍ଡ ହେଇଥାଇପାରେ ଏବଂ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାନି ହେଉଥିଲା। ସିଧାସଳଖ ଯିବା, ଇମ୍ରାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି କଟକରୁ। ଇମ୍ରାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ତ ଅପଡେଟ୍ ନେବି, ବିଜେପିର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ବିଜେପିର ଏକ ଟିମ୍ ସେଠିକି ଯିବାର ଥିଲା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେଉରାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଥିଲା, କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା, କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଜେପି ଟିମ୍ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନର ଆବାହକ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲି ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ବୋମା ମାଳ ହେଲା ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଯେ ସୁର ଉଠୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିରୋଧରେ ସୁର ଉଠୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଆକ୍ରମଣର ପଛରେ ଯେହେତୁ କିଏ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ କିଏ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି କି, ଯେହେତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଗିରଫ ହୋଇନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅତିମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆର କୌଣସି ଲିମିଟେସନ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନଟା ହେଇଛି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଲୋଚନକୁ ତଥ୍ୟଟା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଟୁ କରପ୍ସନ୍, 5T, ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନା, ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କରପ୍ସନ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକରି ସୂଚନା କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ଫଲ୍ସ କେସ୍ ପୋଲିସ ଲଗେଇ ଫଲ୍ସ କେସ୍ କରେ, ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଯେଉଁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଟାକ୍ କରାଯାଇଛି, ବମିଂ କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପଳବନ୍ତ ରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ, ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଯୁବ ବାହିନୀ ଥିଲା ଏବେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ଖଣି ମାଫିଆ ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଏଇଟା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ବିଛାଖଣ୍ଡି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ହରି ଲୁଟ୍ ଏବଂ ଡଙ୍କାରୀର କଳାପଥର ଲୁଟ୍ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ହୋଇଥିଲା, ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ମାନେ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ଏଇସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ହାସଲ କରିକିରି ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇ PDS କରପ୍ସନ୍ ନେଇକି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଡଙ୍କାର ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ କେସ୍ରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ମାଫିଆ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଫଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛି ଏ ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଏଥିରେ କେବଳ ଯେ ପ୍ରଣବନ୍ତ ରାୟ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ଶାସକ ଦଳର ଯେହେତୁ ନେତାମାନେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣି ଲୁଟ୍ ସେଠି ଚାଲିଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ଲୁଟ୍ କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା ଆକୁ ନେଇକରି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବି ତଦନ୍ତ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପୁରା ବିବ୍ରତ। ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଖଣି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଆକୁ ଯଦି ରିଅଲି ତଦନ୍ତ ହେବ, ରିଅଲି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅସଲ ଚେହେରା ଖୋଲିଯିବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଜଣେ କରପ୍ଟ ଲୋକ,
ଏବଂ ଯେତେକ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଆଙ୍କର ସବୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାଛିଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ତେଣୁ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କରପ୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ମର୍ଡ଼ର ହେଉଛି। ଯେମିତି ବିଜେପିର ନେତାଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କଲେ ସେ ବି ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ନେଇକରି ସେମାନେ ବି କରିଥିଲେ। ଆଜି ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ମର୍ଡ଼ର ଆମେ ଆମେ ଆସିବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବୋମା ମାଡ଼ ହେଲା ଏହା ପଛରେ ବିଧାୟକ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କର ହାତ ଅଛି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପାକଳ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥହାନି ହେଉଥିଲା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କର, କାରଣ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଘାଇର ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା, ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ଏବଂ ବୋମା ମାଡ଼ କରାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଯିଏ ମୁହଁ ଖୋଲିବ ତା ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳ ବୋମା ମାଡ଼ କରିବ, ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ଇଭିନ୍ ହତ୍ୟା ବି କରିଦେବ। ଆଉ ୟାଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏ ଖବର ଉପରେ ଆମ ନଜର ରହିଛି, କାରଣ ଇଏ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା। ବରାବର ଆମେ ଅପଡେଟ୍ ଆଣିବୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଅର୍ଗସ୍ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।